तो ये व्हाट्सअप गाइस कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं यंग ब्रू मास्टर एडवेंचर का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहां पर हम देखते हैं कि यंग सियान जो है फेंगवा को बोल रहा था कि अब जब बाय फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है ना चाहते हुए, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम उन लोगों के साथ भी अलायंस फॉर्म कर लो, तो इससे जो है हमारा मेंबर का जो संख्या है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सुनकर फेंगवा बोलता है कि हाँ तुम्हारा बात सही है, लेकिन हम लोग जो कभी भी किसी को फोर्स नहीं करते हैं अलायंस बनाने के लिए। और रही बात बाली डोंग की, तो वो जो है बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सन है, और जब उसको पता चलेगा ये सब चीज़ के बारे में तो मुझे पूरा यकीन है कि वो जो है हम लोग का मदद करेगा और इस वर्ल्ड को इससे डार्क से रोशनी की तरफ लेके जाएगा। और फिर हमें जो मैरिज सेरेमनी का दिखाया जाता है जहाँ पर बाली डोंग बोलता है कि मेरा नाम जो बाली डोंग है, तो क्या अब मैं जो है मैरिज सेरेमनी को अटेंड करने के लिए क्वालिफाई हूँ। और फिर तभी हम देखते हैं कि एक बंदा जो है बहुत ज़्यादा डर चुका था और उस सर्पेंट को देख कर बोलता है कि ये तो वैंड फैमिली का ग्लेज सर्पेंट है और ये जो है मार्क्यूस जेंसी ग्रैंड सन है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो थर्ड अंकल जो है खड़ा हो जाता है, बाली डोंग से माफ़ी मांगता है उसका डिसरेस्पेक्ट करने के लिए और उसको जो है वेलकम करता है और पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो ये सुनकर बाली डोंग बोलता है कि मैं जो यहाँ पर दुल्हन को किडनैप करने के लिए आया हुआ हूँ। तो ये सब सुनकर वो थर्ड अंकल हैरान हो जाता है और वो जो है वेन टियान की तरफ देखने लगता है। तो वेन टियान जो है बाली डोंग से पूछता है कि तुम जो है यहाँ पर दुल्हन को किडनैप करने के लिए आए हुए, तो क्या तुम उनको जानते हो। तो ये सुनकर बाली डोंग बोलता है कि नहीं, मैं तो उनको नहीं जानता हूँ। और फिर ये सब सुनकर वहाँ पर लोग आपस में बात करने लगते हैं कि अगर ये बंदा जानता ही नहीं है तो किडनैपिंग क्यों कर रहा है। तो ये सुनकर वेंटियान बोलता है कि अच्छा, तो मेरे ख्याल से तुम जो है इनसे प्यार करते होगे। तो ये सुनकर बाली डोंग बोलता है कि नहीं, मैं इससे प्यार नहीं करता हूँ, अब मेरी जो लवर है। और वो अपना प्यार का तारीफ करने लगता है, लेकिन तभी जो है सीकोंग उसको रोक देता है और बोलता है कि गधे, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है ये सब बकवास करने का, तुम्हारे लवर तुम्हारे प्यार के बारे में सुनने का। और फिर वो बोलता है कि हम लोग को जल्दी से ये सब काम करके यहाँ से निकलना होगा। तो ये सुनकर हम देखते हैं कि बाली डोंग भी समझ जाता है और वो जो है वहाँ पर उसी लड़के को बुला लेता है। तो हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पर अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके आ जाती है और हम देखते हैं कि उसके पीछे पीछे वो सर्पेंट भी आ जाता है और वो सर्पेंट जो इन सब पर गुर्राने लगता है। तो ये देखकर वो सब लोग डरने लगते हैं और वो थर्ड अंकल का तो हालत खराब होने लगता है और बोलता है कि मिस्टर आप ये सब क्यों कर रहे हैं। और फिर तभी जो है बाली डोंग उन लोग से पूछता है कि देखो, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि मैं जो है इस दुल्हन को अपने लिए किडनैप नहीं करने वाला हूँ, बल्कि ये जो एक मेरे दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप में है और इन लोग जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो तुम लोग क्या कहोगे। तो ये सब बात सुनकर येन बीतियान को गुस्सा आने लगता है, बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम जो है जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हो वो हम लोग के सामने ही है और वो जो है हमारा दुल्हा ही है। तो ये सुनकर बाली डोंग बोलता है कि मैं जिस पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ वो इस पर्सन से भी बहुत ज़्यादा ऊँचा है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, समझे। तो ये सब बात सुनकर वेंटियान बोलता है कि मैं तुम्हारा ये सब बकवास चीज़ जो है सहन कर रहा हूँ, क्योंकि तुम जो है मार्क्यूस जेंसी के ग्रैंडसन हो और मैं जो है अपनी सिस्टर का मैरिज गु फैमिली में करवा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का फैमिली जो है बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त है। और बोलता है कि और जो है गु फैमिली में जो है अपना एक यंग मास्टर को भी खो दिया है, मैरिज होने के बाद वो चीज़ जो है गु फैमिली को भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो ये सब बात सुनकर ये चीन जो है हंसने लगता है और बोलता है कि देखो कि तुम ये सब क्या बकवास बात कर रहे हो, मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि मुझे जो है लगा नहीं था कि जो मार्शल आर्ट का वर्ल्ड है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन तुम लोग को देखकर तो मेरा वाकई में मन ही बदल गया है मार्शल आर्ट के वर्ल्ड के बारे में। अब बोलता है कि जब मैं बच्चा था तो मैं सेमलेस का मीनिंग समझ नहीं पा रहा था, लेकिन तुम लोगों को देखकर मुझे जो है उसका मीनिंग साफ साफ पता चल जाता है। तो ये सुनकर येन बीतियान को गुस्सा आने लगता है और बोलता है कि तुम गधे। तो ये सुनकर बाली डोंग बोलता है कि मैं गधा नहीं बल्कि तुम हो गधे। और फिर तभी हम देखते हैं कि बाली डोंग बोलता है कि मैं भी दिखा देता हूँ तुम लोग को कि आखिर में जो है इसको कौन किडनैप करना चाहता है। उसी लड़की को ऑर्डर देता है तो हम देखते हैं कि वो लड़की जो है उस स्नेक को वापस देती है उस पानी के अंदर। और फिर हम देखते हैं कि उन लोग जो है वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्नेक जो है फिर से बाहर आ जाता है उस पानी से और वो जो है वहाँ पर बक्सा को लेके आ जाता है जिसके अंदर जो है एक डेड बॉडी रखा हुआ था, जहाँ पर उसको देखकर बाकी सब लोग हैरान होते हैं। जहाँ पर बाली डोंग उसका जो बक्सा का जो
कवर है उसको हटा देता है और हम देखते हैं कि वो जब बक्सा का कवर हटा देता है तो उसके अंदर जो गोली का डेड बॉडी था, तो उसको देखकर उधर अंकल है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो आपस में बात करने लगते हैं कि लेकिन कुछ दिन पहले ही तो गोली का फ्यूनरल हुआ था, उसका डेड बॉडी यहाँ पर कैसे आ सकता है। और फिर तभी जो है बाली जंग बोलता है कि देखो मैं जो दुल्हन को किडनैप नहीं करने वाला हूँ, बल्कि ये तो गोली है जो कि इसको किडनैप करना चाहता है। और फिर ये सब बात सुनकर येन बी टियान को बहुत ज़्यादा दिमाग गर्म होने लगता है और वो जो है उसको बोलता है कि देखो कि अब जो है तुम अपना हद पार कर रहे हो और तुम येन फैमिली का बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रहे हो। और वो जो है अपने सर्वेंट लोग को बोलता है कि इसको मार दो। तो हम देखते हैं कि वो जनरल था वो जो है उस पर अटैक कर देता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।